हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। देखिए आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको ऑटो कीवर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ऑटो कीवर्ड का ट्यूटोरियल जो है इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड समझाने वाला हूँ। और ऑटो कीवर्ड इनस्ट्रीम एड वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटो कीवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है बहुत ही स्लो तरीके से काम करते हैं। अगर आपके पास ऑटो कीवर्ड है तो बहुत ही आप फास्ट तरीके से इनस्ट्रीम एड के क्षेत्र में आप वर्क कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑटो कीवर्ड की इनस्ट्रीम एड में। तो इस वीडियो के जरिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं आप ऑटो कीवर्ड से। हम लाइव देखेंगे, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए बिना कोई देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सीखते हैं कि ऑटो कीवर्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसका यूज किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सीखते हैं कि ऑटो कीबोर्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब देखिए आज के इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे ऑटो कीबोर्ड जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इस ऑटो कीबोर्ड का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है इनस्ट्रीम एड में, वो कैसे। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको जरूरी काम कर सकते हैं आप इस। सबसे पहले तो आप आईडी निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके पास ये ऑटो कीबोर्ड नहीं है तो आप आईडी निकाल ही नहीं सकते। तो एक तो वो काम हो गया जो कि वो मेरा पेड कोर्स का भाग है। अब देखें कि ऑटो कीबोर्ड से और आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखें कि हम यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखें हम फेसबुक को यहाँ पे ओपन करेंगे। देखें कि आपको ये ऑटो कीवर्ड ग्रुप के लिंक को कॉपी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें, जब आप ऑटो अप्रूवल ग्रुप को यहाँ पे फाइंड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि कोई भी नाम आप टाइप करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ढेरों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सजेशन कर देता है, खुद फेसबुक सजेस्ट करेगा। यहाँ पे देखें कि आप किसी पे भी नाम पे आप यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पे फिल्टर में यहाँ पे आपको फेसबुक में लगा देना है फिल्टर। जैसे फेसबुक को फिल्टर लगाएंगे आप, यहाँ पे देखें कि आप ढेरों आपको यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसको आप चेक करना है आपको एक एक करके। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 10+ पोस्ट जिसमें रहता है उसी ग्रुप को आप ओपन करेंगे और उसी ग्रुप को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें कि 9 पोस्ट अ डे लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 पोस्ट अ मंथ नहीं, यहाँ पे 9 पोस्ट अ डे। यहाँ पे देखें 10K मेंबर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे हम। अब यहाँ पे देखें कि ये आपको 10+ पोस्ट अ डे यहाँ पे एक ग्रुप मिल गया है। तो सिंपली यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे। फिर से यहाँ पे देखें कि 2.4 मिलियन वाला यहाँ पे एक और ग्रुप यहाँ पे हमें मिल गया है, इसे भी हम जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। बस आपको 10+ पोस्ट अ डे वाला ग्रुप जितने भी है, सबसे पहले आपको एक एक करके उसे यहाँ पे निकाल लेना। ये भी देखिए 10+ पोस्ट अ डे है यहाँ पे, जितने भी ग्रुप है यहाँ पे आप सबसे पहले निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको देखें कि इसी में से 10-15 ग्रुप्स को यहाँ पे ढूंढूंगा। यहाँ पे अगर 10+ पोस्ट अ डे यहाँ पे नहीं मिलता है तो किसी दूसरे नाम को यहाँ पे हम टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि चेक करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं, देखें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको तुरंत यहाँ पे सर्च बॉक्स में इसका नाम को आपको चेंज करना होगा और फिर से आप एक बार सर्च करेंगे। तो देखें यहाँ पे इतना ग्रुप हमें यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पे देखें कि 3 ग्रुप आपको ऊपर में दिख रहे होंगे, जो कि एक बार हमने सर्च किया तो यहाँ पे 3 ग्रुप हमें देखने को मिले हैं, जो कि इसमें ऑटो अप्रूवल ग्रुप है या नहीं है उसे भी चेक करना होता है हमें। यहाँ पे देखें फिर से एक बार हम इसका नाम को थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ से हम इसका जो टाइटल था उसे हम हटा दिया। अब यहाँ पे फिर से हमने एंटर को प्रेस किया, फिर से हम यहाँ पे ग्रुप्स में जाएंगे और देखेंगे कि देखें कि मैंने ग्रुप्स में आ गया है। अब देखिए अब सिर्फ उसी नाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको ढेरों ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। अब फिर से आपको वही करना है कि 10+ पोस्ट अ डे, जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये 10+ पोस्ट अ डे यहाँ पे मिल गया है, तो इसी टाइप के ग्रुप्स को आपको टारगेट करना है, इसी टाइप्स के ग्रुप्स को आपको यहाँ पे निकालना है। इस वीडियो में मैं आपको ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स कैसे फाइंड करी जाती है वो टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो के जरिए हमें आपको ये बताना है कि
आप जो है ऑटो कीवर्ड का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आप आसानी से फास्ट तरीके से ऑटो कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इतने ग्रुप्स को यहाँ पे देखे कि मैंने निकाल लिया। यहाँ पे देखे मैंने, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 4-5 ऐसे करके आपको 20-25 जितना आपका सिस्टम का स्पीड है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे लिंक को ओपन करेंगे। 50 लिंक ओपन कर सकते हैं या फिर 100 लिंक ओपन कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। उसके बाद देखें कि अब यहाँ पे आपको एक एक करके यहाँ पे राइट समथिंग जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स है या नहीं है। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखें हम हाई लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऑटो अप्रूवल ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरा डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इसे पेज से विजिट किया है और डायरेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है पोस्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऑटो अप्रूवल ग्रुप है और इसमें हम अगर मूवी क्लिप शेयरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी आसानी तरीके से इसमें वायरल होगा। मूवीज क्लिप ही ज़्यादा वायरल होते हैं। यहाँ पे देखें ऑलरेडी यहाँ पे मूवी क्लिप्स पर वर्किंग कर रहे हैं ये बंदा। यहाँ पे देखें कि हम इसमें विजिट करते हैं तो इसके फॉलोवर्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके फॉलोवर्स 1,11,000 इसके फॉलोवर्स है। देखें हम इसके इस पेज में विजिट कर गए हैं। अब इसका इसका हम अबाउट भी देख लेते हैं कितना ये पुराना पेज है और कितनी जल्दी इन्होंने ये इस पेज को ग्रो किया है। तो यहाँ पे देखें कि 25 अप्रैल यानी कि अप्रैल इसी वर्ष जो है इसी 2023 में जो है ये पेज को क्रिएट करा गया है और इस पेज को जो है ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स में ही बहुत ही देखें ये जो पेज अभी हमने ओपन किया है अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि 3 से 4 महीने हुआ है और इसके पेज के फॉलोवर्स को आप देखें तो 1,11,000 फॉलोवर्स है। देखें ये लोग कैसे बढ़ाते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें ये लोग ग्रुप में वर्क करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ढेरों यहाँ पे मूवी क्लिप्स ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे इसे प्ले किया, ये अगर आप इसे पहचानते होंगे तो ये देखें कि ये इंडियन मूवी क्लिप्स है और ये देखें 148 इन्होंने शेयरिंग किया है। अब आप इसी के ग्रुप से जो है आप इसके फ्री ग्रुप्स को भी निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखें सच्ची बात है यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप में शेयर किया है। तो देखें ये जो जितना भी यहाँ पे शेयरिंग हुआ है सभी के सभी पेड ग्रुप में शेयरिंग हुआ है। तो देखें ये सभी पेड ग्रुप में शेयरिंग हुआ है। अब अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो देखें कि एक एक करके जैसे कि ये ग्रुप है, डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम माउस से और यहाँ पे देखें कि ओपन देखें यहाँ पे ओपन लिंक न्यू टैब में हम करेंगे ओपन तो ये ग्रुप एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। देखें हम यहाँ पे करके दिखते हैं। देखें यहाँ पे इस टैब में ये ग्रुप जो है ऑलरेडी यहाँ पे अब ये थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे ये देखे कि ये ग्रुप ओपन हो गया। यहाँ पे देखे कि तो देखे फ्रेंड्स यहाँ में इस ग्रुप से रिलेटेड देखे कि इन्होंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और देखें कि इस ग्रुप को अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। डायरेक्ट इन्होंने अबाउट में ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। मैंने इसे हाइड कर दिया है क्योंकि मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ट्यूटोरियल्स के रूप में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो देखें ठीक इसी तरह से इसको न्यू टैब में ओपन करने के बाद इसे भी आप न्यू टैब में ओपन करेंगे। देखें कि इसके जो है 1 मिलियन मेम्बर्स है, ये भी पेड ग्रुप होगा। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो देखें यहाँ पे जितने ये जो है शो कर जाते हैं ग्रुप उसको आप जो है निकाल सकते हैं। देखिए इसे भी मैं यहाँ पे न्यू टैब में निकालूंगा। देखिए ठीक इसी तरह से सभी ग्रुप्स को आप यहाँ पे निकालेंगे इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी बताया। देखिए कि इसमें ज़्यादातर मूवी क्लिप्स ही इस पेज में अपलोड हुए हैं। एक बार हम इसके मोर बटन में जाकर वीडियोस वाले में जाकर एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या वर्किंग हो रहा है। तो देखिए वही 3 ID का जो फंडा मैंने आपको बताया, 3 ID से भी यहाँ पे 3 ID से ही यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। यहाँ पे कॉपीराइट सबमिट डिस्प्यूट ये लोग भी करते हैं क्योंकि देखिए डायरेक्ट ये जो है अब वीडियो को क्रॉप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। कोई भी यहाँ पे ट्रिक यूज नहीं करी जाती है, डायरेक्ट ये क्रॉपिंग करके अपलोड करी जाती है। इसके ऊपर भी कॉपीराइटेड भेजता ही होगा मैनुअली तरीके से। तो देखिए कॉपीराइट इसके ऊपर भेजता होगा तो अब ये क्या करते होंगे कि डायरेक्ट सबमिट डिस्प्यूट करते हैं और उसी पर वर्क करते हैं और इसका जो है ये 4-5 बंदे मिलकर वर्क करते होंगे या फिर इसका जो है 4-5 सिस्टम होगा तब ये जो है इसके पास ऑलरेडी ग्रुप्स होगा। मिलियंस वाले ग्रुप्स तो मैंने आपको दिखा ही दिए कि देखे कि इतना बड़ा बड़ा ग्रुप्स में यहाँ पे मिलियंस वाले ग्रुप्स में इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 1 मिलियंस मेंबर्स है इस ग्रुप में, तो बड़े बड़े ग्रुप में इन्होंने शेयर किया है। यहाँ पे देखे स्क्रॉल करते हुए अगर हम इसके और नीचे जाते हैं तो ये एक ही मूवीज को जो है बार बार एडिट करके एक ही मूवीज को बीच बीच से कट कर करके जो है ये
छोटा छोटा क्लिप्स बना लिए हैं, 6-6 मिनट का, 8-8 मिनट का, और इसी एक ही मूवीज के प्रॉपर क्लिप्स को इन्होंने अपलोड किया है। यहाँ पे देखिए कि इस बंदा को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 5 वीडियो मोनेटाइज करने के लिए 2 सप्ताह पहले ही इन्होंने इस पेज को मोनेटाइज किया है। यहाँ पे देखिए तो 2 वीक्स एगो, अगर आप देखेंगे कि 2 सप्ताह पहले इन्होंने इस वीडियो को जो है यहाँ पे लाइव गेमिंग किया था, 1-1 मिनट का। देखिए सेम वीडियो 1 मिनट 27 सेकेंड का सभी वीडियो है, 5 वीडियो सेम वीडियो इन्होंने अपलोड कर दिया गेमिंग वाला वीडियो, और इसका जो है मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने पेज को मोनेटाइज किया, उसके बाद शेयरिंग इन्होंने देना स्टार्ट किया, मूवी क्लिप्स पर वर्किंग करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो देखिए इन्होंने इस तरह से वर्क किया, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी आपको यही बताता हूँ। देखिए मेरा जो इस वीडियो में मकसद है आपको ऑटो कीवर्ड के बारे में बताना, तो इस दोनों पेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी के सभी आपको जो है ग्रुप्स देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 25-30 ग्रुप को पहले चेक कर लेना है, उसके बाद देखिए अब मैं दिखाता हूँ कि ऑटो कीवर्ड का अब यहाँ पे क्या काम है। देखिए ऑटो कीवर्ड आपको सेटअप करना आना चाहिए अच्छी तरह से, जो इस वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए कि सबसे पहले आपको एक नोटपैड का जो है नोटपैड ओपन कर लेना है अपने इस पीसी में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया। देखिए मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया, उसके बाद देखिए अब हम ऑटो कीवर्ड को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो कीवर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस ऑटो कीवर्ड को हम सबसे पहले वाले में यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने ऑटो कीवर्ड को यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए कि नोटपैड है। अब हम चाहते हैं कि इस ऑटो कीबोर्ड के माध्यम से जो है मेरा जितने भी यहाँ पे ये लिंक्स निकले हैं, अभी तो मान लीजिए कि 6, 7, 8, 9 जो है 9 यहाँ पे लिंक्स ओपन हुए हैं, और अगर आप इसको मैन्युअली अगर 20 लिंक 25 लिंक 50 लिंक तक अगर आप एक मिनट के अंदर में ही अगर आप 50 ऑटो अप्रूवल ग्रुप के लिंक को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो तुरंत ये कॉपी पेस्ट कर देता है। अगर मान लीजिए कि इसके मैन्युअली अगर कॉपी करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप इस ऑटो कीबोर्ड से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ग्रुप के लिंक को। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने तो यहाँ पे ऑटो कीबोर्ड निकाल लिया, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये ऑटो कीबोर्ड निकाल लिया है। अब इस ऑटो कीबोर्ड में जो है आपको कमांड सेट करना होता है। कमांड कैसे सेट करना है कि देखिए कमांड सेट करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि देखिए कि यहाँ पे माउस दिए हुए हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं उस कमांड को, ऑलरेडी कमांड सेव है उसे ओपन कर सकते हैं, ये तीनों उसके लिए होगा। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब आप यहाँ पे देखें कि कंट्रोल प्लस टैब को दबाते हैं तो ये अगला टैब में पहुंच जाता है, ये आपको पहले से शॉर्टकट ही पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस टैब हम दबाते हैं तो अगला में ये विजिट कर जाता है ऑटोमेटिक। तो देखिए आप क्या करेंगे हम कि कंट्रोल प्लस टैब जब दबाते हैं तो ये आगे चल जाता है, दूसरे टैब में ये विजिट कर जाता है। इससे पहले हम एक कमांड यहाँ पे लग गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए अब माउस को हम यहाँ पे सबसे पहले माउस को जब क्लिक करेंगे तो अब ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए लेफ्ट क्लिक बटन अगर माउस का करना चाहते हैं ऑटो कीबोर्ड से तो ये लेफ्ट क्लिक करेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट मिडिल बटन यानी कि स्क्रॉलिंग वाला जो बटन होता है उसे अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो ये उसे क्लिक करेगा। लेफ्ट राइट बटन क्लिक राइट बटन यानी कि राइट बटन क्लिक करवाना चाहते हैं तो ये राइट बटन क्लिक करेगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे तीनों जो है डबल क्लिक करवाता है, डबल क्लिक लेफ्ट बटन करते हैं तो यहाँ इससे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे डबल क्लिक लेफ्ट बटन, और यहाँ पे हम जो है गेट कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको देख जाएगा, यहाँ देख सकते हैं इस गेट कोऑर्डिनेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने क्लिक किया, अब क्या करेगा ये कि देखिए अच्छी तरह से आपको कमांड लगाना आना चाहिए। देखिए अब इस अपने इस जो माउस आप यहाँ पे देख रहे हैं इस माउस को उस जगह पे क्लिक करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये डबल क्लिक करे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस लिंक पर ये डबल क्लिक करे, तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे। देखें कि यहाँ पे आप इस कर्सर पर आप ध्यान दें कि जब यहाँ पे लिंक है वहाँ पे हम माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे करूँगा। तो देखिए मैंने जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया ये उस जगह का कमांड ले लिया है। अब यहाँ पे आपको ओके बटन पे जो है क्लिक कर देना है। देखिए ये जो है ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट जो है बटन को डबल बार क्लिक करेगा, और रिपीटिंग टाइम यहाँ पे देना है आपको, कितनी बार आप रिपीट करना चाहते हैं उस लेफ्ट क्लिक को, उसको हम बाद में यहाँ पे समझेंगे। पहले ये जो हट गया है, देखिए लेफ्ट क्लिक हमने दबा दिया,
उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल प्लस टैब दबाए, तो इसी में हमको जो है ये कीबोर्ड ऐसे ही रहने देना है, कंट्रोल प्लस टैब दबाना है। देखिए कंट्रोल प्लस टैब यहाँ पे ये ले लिया है कंट्रोल प्लस टैब, उसके बाद कंट्रोल प्लस टैब दबाएगा तो फिर जाएगा ये आगे वाले में। इससे पहले क्या करना होगा, हमें पहले मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए कि सबसे पहले ये जो है डबल क्लिक करेगा, उसके बाद कंट्रोल सी दबाएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है कि कॉपी होता है। कॉपी होने के बाद क्या करेंगे ये कि फिर से माउस क्लिक लेंगे हम और यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और यहाँ से गेट कोऑर्डिनेट करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए इसको ये ओपन करेगा, देखिए जैसे ही क्लिक करेगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये क्या करेगा कि कंट्रोल भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद एक बार ये एंटर को प्रेस करेगा। एंटर को प्रेस करने के बाद ये फिर से क्या करेगा कि इसी माउस से ये जो है फिर से इस ब्राउजर में आएगा। देखिए यहाँ पे फिर से हम कोऑर्डिनेट लेते हैं माउस का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया और यहाँ पे इस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ब्राउजर वाले में। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अब ये यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ विजिट कर जाएगा। अब ये दबाएगा कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब दबाएगा, फिर से ये रिपीट करेगा, डबल क्लिक करेगा लेफ्ट बटन को, फिर कंट्रोल सी करेगा, फिर जो है क्लिक लेफ्ट बटन करेगा, फिर कंट्रोल वी करेगा, फिर इंटर करेगा, फिर क्लिक लेफ्ट बटन करेगा, फिर कंट्रोल टैब करेगा। इसी तरह से इसे हम कि कितना टैब है यहाँ पे, 3, 3, 6, 3, 9 टैब है, तो मैं इसे चाहता हूँ कि ये 9 बार रिपीट हो। तो देखिए आप इसका मैजिक देखिए कि मैं इसे 9 बार रिपीट करना चाहता हूँ। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और देखिए कि स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए हॉट की यहाँ पे F1 प्रेस करना होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट हम जैसे यहाँ पे जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देखिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। आपके कीबोर्ड के जो फंक्शनल की होते हैं F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक, उसमें आपको F1 जब आप दबाएंगे तो ये ऑटो कीबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर से F1 अगर आप दबाएंगे तो ये ऑटो कीबोर्ड बंद हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे F1 को एक बार प्रेस करते हैं, अब आप स्क्रीन पे इसका हलचल देख सकते हैं, जो कि मैं माउस को पकड़ूंगा भी नहीं, ऑटोमेटिक ये सब कुछ होगा। तो यहाँ पे देखे मैं यहाँ पे F1 को प्रेस करता हूँ, तो देखे मैंने जैसे ही F1 को यहाँ पे प्रेस किया, अब देखे कि ये कमांड अच्छी तरह से जो है यहाँ पे वर्क नहीं किया है। यहाँ पे देखे कि ये नंबर को ही सिर्फ जो है यहाँ पे इन्होंने जो है क्लिक किया है, नंबर को ही ये लिया है। हम चाहते थे कि पूरा लिंक को ये ले, तो यहाँ पे देखे ये जो यहाँ पे क्लिक किया है, ये क्लिकिंग करने में ही यहाँ पे कुछ जो है दिक्कत हुआ। अब जो यहाँ पे ये क्लिक करेगा, देखे यहाँ पे ये डबल क्लिक करता है, तो हम इसे इस तरह से पहले कर देते हैं। देखिए यहीं पे आपको अच्छी तरह से देखना होता है कि अच्छी तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। आपको 2-3 बार जब आप करेंगे ना, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद आप जो है इसका प्रैक्टिस में आ जाएंगे, उसके बाद आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया है, फिर से एक बार हम इसे रिपीट करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, F1 प्रेस करेंगे तो फिर से ये 9 बार रिपीट करेगा। देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, F1 को प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर से ये वही कर रहा है कि यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि यहाँ से इसे इतना ही कॉपी करता है। तो हम इसका कमांड चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार फिर से हम इसका कमांड यहाँ पे बनाएंगे। देखिए हम यहाँ से इसको जो लेफ्ट में डबल क्लिक करवाते थे यहाँ पे नंबर 1 में, यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर में डबल क्लिक ये करता था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक इसे नहीं करवाएंगे, देखिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर 1 में क्या करे कि सबसे पहले ये यहाँ पे 1 क्लिक करे, यानी कि सिंगल क्लिक करे, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेगा। तो देखिए सिंगल क्लिक करेगा तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन को दबवाएंगे हम, गेट कोऑर्डिनेट करते हैं और यहाँ पे देखिए एक बार ये सिंगल क्लिक करेगा, और सिंगल क्लिक यहाँ पे या फिर डबल क्लिक भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक ही एक बार करवाता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देखिए एक बार हम सबसे पहले इसे आपको चेक करना होता है। देखिए अभी हम इसे कैंसिल करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बार यहाँ पे सिंगल क्लिक करेगा, उसके बाद कंट्रोल सी अगर दबाता है तो ये कॉपी नहीं करेगा, डबल क्लिक करेगा यहाँ पे, तो देखिए डबल क्लिक जब हम करते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। या फिर एक बार हम जो है एक क्लिक करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं तो भी नहीं होता है, ये कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी करेगा। अब हम जो कमांड यहाँ पे सेट करेंगे उसी तरह से हम जब कमांड सेट करेंगे तब ये होगा। देखिए एक बार फिर से मैं न्यू बना के आपको दिखाता हूँ, इसे हम सेव नहीं करेंगे। तो देखिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, लेफ्ट क्लिक ये दबाएगा, गेट कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ का एक बार कोऑर्डिनेट लेगा, ओके करेगा ये, उसके बाद ये दबाएगा कंट्रोल ए दबाएगा तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल सी दबाएगा तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद ये क्या करेगा कि ये माउस के लेफ्ट बटन को दबाएगा, यहाँ पे इस नोट पैड को ओपन करेगा,
ओपन करने के बाद क्या करेगा कि ये कंट्रोल भी दबाएगा यानी कि पेस्ट करेगा, उसके बाद एक बार एंटर को प्रेस करेगा। एंटर को प्रेस करने के बाद फिर से ये माउस के इस लेफ्ट बटन को दबाएगा, इस ब्राउजर को ये फिर से एक बार ओपन करेगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद ये कंट्रोल प्लस टैब दबाएगा, तब क्या होगा कि अगले टैब में जाएगा, फिर अगले टैब में इसी तरह से ये रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा, जितने आपने यहाँ पे टैब ओपन कर रखे हैं उतनी बार आपको रिपीट करवाना है। यहाँ पे 9 टैब है तो यहाँ पे 9 बार हम इसे रिपीट करवाएंगे। देखिए इस बार हम स्टार्ट करके देखते हैं, फिर से वही करेंगे कि F1 प्रेस करेंगे हम। यहाँ पे देखें कि अब देखें फ्रेंड्स कि अब ये प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें कि लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही स्पीड में देखें। अब यहाँ पे इसको 9 टैब को जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में इसको 9 सेकेंड भी नहीं लगा, 2 से 3 सेकेंड के अंदर में ये जो है सभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टैब ओपन हुए हैं सभी टैब यहाँ पे देखे जितने भी यहाँ पे ओपन हुए थे सबका ये लिंक को कॉपी कर लिया है। देखिए मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर वही लिंक है। यहाँ पे देखिए मैं इसे बंद कर देता हूँ, आप देखेंगे कि ये प्रॉपर वही लिंक है। देखिए नंबर 1 में जो इन्होंने कॉपी किया था इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसी ब्राउजर में हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो देखिए ये वही ग्रुप ओपन होगा जिसको इन्होंने कॉपी किया था। यहाँ पे देखिए इसी का जो है आप अगर इसे आप देखना चाहते तो वीडियो को बैक करें, आप देखें कि यही ग्रुप जो है नंबर 1 में था। नंबर 2 में अगर आप चेक करें नंबर 2 वाले ग्रुप को हम यहाँ पे देखेंगे तो देखें यहाँ पे इसे हम कॉपी करते हैं और फिर से नंबर 2 टैब में इसे हम पेस्ट करेंगे तो नंबर 2 में देखेंगे कि यही ग्रुप था, आप उसे चेक कर सकते हैं जाकर। देखें कि ये ऑटो कीवर्ड बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ऑटो कीवर्ड के माध्यम से आप इन स्ट्रीम एड में बहुत बड़ा हेल्प ले सकते हैं और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं ऑटो कीवर्ड से। ऑटो कीवर्ड से बहुत सारा काम ले सकते हैं, अगर आप ऑटो कीवर्ड से वर्क करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बहुत ही फास्ट तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं आप अपने पीसी में। तो देखिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऑटो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे वो सभी सॉल्व कर दिए गए हैं इस वीडियो में और ऑटो कीवर्ड का यहाँ पे एक अच्छी तरह से यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। जो जितना जरूरी होता है ऑटो कीबोर्ड में माउस का काम होता है और आपको थोड़ी कीबोर्ड का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप ब्राउजर में जो है यहाँ पे सर्च करेंगे तो भी आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा। मान लीजिए कि न्यू बुकमार्क ओपन करने का क्या जो है शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखें न्यू बुकमार्क, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे न्यू बुकमार्क मैंने लिखा और इसके बाद देखें यहाँ पे शॉर्टकट की आपको लिख देना है, न्यू बुकमार्क शॉर्टकट यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये गूगल यहाँ पे बता देगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए देखें न्यू बुकमार्क तो यहाँ पे दूसरी चीज हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने जो कंट्रोल टैब दबाया था, देखिए न्यू टैब में शॉर्टकट किसे कैसे पहुंचेंगे, न्यू टैब मैंने यहाँ पे लिखा, न्यू टैब शॉर्टकट यहाँ पे देखे ऑटोमेटिक ये आ गया है, न्यू टैब का शॉर्टकट क्या है ये हमें बता दिया है। देखिए कंट्रोल प्लस टी अगर हम दबाते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं तो न्यू टैब ये देखिए ओपन करता है, कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन करता है। अब जितना बार आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ये टैब ओपन कर देगा। ये सब आपको बहुत ही जरूरी है जानना, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट बताया है। यहाँ पे देखिए हम न्यू टैब क्लोज देखे या यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है हमें सजेस्ट किया है क्लोज टैब शॉर्टकट, क्लोज टैब शॉर्टकट यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो क्लोज कैसे होता है टैब, यहाँ पे देखिए क्लोज द करंट टैब को अगर करना चाहते हैं इसका शॉर्टकट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस तरह से अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस W तो क्लोज हो जाता है या फिर कंट्रोल प्लस F4 दबाते तो भी ये क्लोज हो जाएगा करंट विंडो। इसी तरह से देखिए आपको शॉर्टकट की जो है क्रोम का शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए गूगल खुद यहाँ पे आपका जो गूगल हेल्प सेंटर जितने भी शॉर्टकट है गूगल से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए गूगल से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट है आपको इस जो है गूगल का हेल्प सेंटर में देखने को मिल जाएगा जब आप इसे ओपन करेंगे। देखें टैब एंड विंडोज शॉर्टकट यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे देखें कि ओपन न्यू विंडो कंट्रोल प्लस एस से न्यू विंडो होता है। सब कुछ यहाँ पे देखें कि सब कुछ ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लगे हुए हैं, अब आप यहाँ पे इसको आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। देखें कि यहाँ पे सब कुछ का शॉर्टकट की जो है क्रोम ने यहाँ पे लिख रखा है, बस आपको उसे चेक करके एक बार उस ऑटो कीबोर्ड में आपको लगाना है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो है काम करेगा या फिर आप खुद इसे जान लेते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्रोम पे वर्क कर पाएंगे। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड के लिए भी यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है,
ये शॉर्टकट काम आता है बेसिकली विंडोज़ में, लिनक्स में, कंप्यूटर में जब आप काम करते तो ही ये शॉर्टकट काम आता है, क्योंकि कंप्यूटर में ही कीबोर्ड होता है। तो देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब देखिए कि ऑटो कीबोर्ड आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए जो अगर आप मेरे जो है आईडीज वाले कोर्स को लेते हैं, बाय करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये कीबोर्ड उस कोर्स के माध्यम से दे दिए जाते हैं, और उस कोर्स को आप सीख कर जो है आईडीज को भी निकालना सीख सकते हैं। और अगर आप इसे अपने तरीके से कहीं से लेना चाहते हैं तो देखिए ऑटो कीबोर्ड जो है ये पेड सॉफ्टवेयर है, आपको पेड लेना होता है, पेड आप चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट भी करें, जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ। इस वीडियो को जो मैंने क्रिएट किया था ये भी जो है किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही हमें जो है कमेंट में पूछा था कि ऑटो कीबोर्ड के बारे में हमें कुछ बताया जाए, आप चाहे तो उसके कमेंट में विजिट करके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बंदा ने हमें ऑटो कीवर्ड के बारे में देखे पूछा था, यहाँ पे इसका कमेंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटेस्ट ये 3 घंटे पहले ही देखे कि इन्होंने हमसे पूछा था। अब इसका नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखे कि इन्होंने हमसे पूछा था कि ऑटो कीवर्ड के ऊपर एक वीडियो ब्रो, तो इतना ही लिखा था कि ऑटो कीवर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने ऑटो कीवर्ड से क्या क्या काम करी जा सकती है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे ऑटो कीबोर्ड से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।